अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी की एक मज़ेदार रेसिपी, मसाला भिंडी रेसिपी। मसाला भिंडी रेसिपी बहुत ही लिमिटेड मसालों के साथ बहुत बढ़िया सी एक रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहे, मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करें। रेस्टोरेंट स्टाइल वाला मसाला भिंडी को बना लेते हैं। मसाला भिंडी फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी को लिया है। भिंडी को मैंने धोकर कॉटन के कपड़े से पोंछकर साफ कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। भिंडी के हम दोनों किनारों को इस तरह से काट लेंगे और बीच में से दो टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद ऊपर के भाग से इस तरह से चीरा लगा लेंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरह से चीरा लगा लेंगे। उसी तरह इसे भी इस तरफ से चीरा लगा लेंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरह से चीरा लगा लेंगे। इसी तरह से हम सारी भिंडी को काट लेंगे। मैंने सारे भिंडी को इस तरह से काट लिया है। अब भिंडी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और हाफ लेमन जूस को भिंडी में डालेंगे। नमक और नींबू के जूस को अच्छे से भिंडी में मिला लेंगे। आपके पास वक्त हो तो थोड़ी आधा घंटा या एक घंटा इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो तुरंत भी पका सकते हैं। अब इसे हम शेलो फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन को गैस स्टोव पर रखा हुआ है। अब पैन में मैं 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को डालूंगी। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म होने देंगे। अब पैन में हम डालेंगे हमारी कटी हुई भिंडी को। भिंडी को हमें इसका स्टिकीपन, चिपचिपापन निकलने तक फ्राई कर लेंगे। भिंडी को मैंने लगभग 1.5 मिनट तक फ्राई की हूँ। अब इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये सॉफ्ट भी हो गई है। 50% हमारी भिंडी ऑयल में पक गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। उसी पैन में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के ऑयल को डाल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, मैं पैन में डालूंगी 1/2 टीस्पून भर के जीरा। जीरा को हमें ऑयल में अच्छे से फ्राई होने देंगे। जीरा फ्राई हो गया है। अब पैन में डालेंगे कटी हुई प्याज। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को फाइन चॉप कर लिया है, उसे अब हम पैन में डाल लेंगे। प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के बेसन। बेसन को हमें अच्छे से प्याज में मिलाकर भून लेंगे। इस टाइम मैंने यहाँ पर फ्लेम को लो कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें सूखे मसाले डालना है। अब हम पैन में डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 कटी हुई हरी मिर्च। इन सब मसालों को ऑयल में अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम डालेंगे 2 टमाटर की पिसी हुई प्यूरी। मैंने 2 टमाटरों को मिक्सर जार में फाइन प्यूरी में पीस लिया था, उसे भी अब हमने पैन में डाल लिया है। अब मसालों के साथ टमाटर की प्यूरी को मिलाकर पका लेंगे।
टमाटर मसालों के साथ अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे। हींग को भी मसालों के साथ अच्छे से मिला लिया है और हल्का सा भून लिया है। अब इसमें हाफ कप के करीब पानी को डालेंगे। मसालों को और पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को हमें एक मिनट के लिए ढककर लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। मसाला हमारा भिंडी का एक मिनट से पक गया है। अब उसका ऑयल भी सरफेस पर नजर आ रहा है। फ्लेम को लो करके 2 टेबलस्पून भर के दही को डालेंगे। दही को मैंने फेंट कर रखा हुआ था। दही को हमें मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। दही को मिलाकर मैंने भिंडी के मसाले को अच्छे से पका लिया है। फ्राई किया हुआ भिंडी को अब हम मसाले में डालेंगे। मसालों में अच्छे से मिला लेंगे भिंडी को। अब थोड़ा पानी मिलाकर ढककर एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। भिंडी हमारी 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पे अब पक गई है। भिंडी पककर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें फाइनली डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाले को हम भिंडी में मिलाकर फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और हम हमारी भिंडी को डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारा चटपटा रेस्टोरेंट स्टाइल वाला भिंडी मसाला फ्राई बनकर तैयार है। आप इसे पराठा, नान, कुलचा और चावल के साथ गर्मा गर्म परोस लें। आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करें, मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।